हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनू आर्ट। आज मैं आपको मेहंदी के कुछ बेसिक स्टेप बताने जा रही हूँ, किसी भी डिज़ाइन को हम किस तरह से बनाते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी फ्लावर हम लोग बनाते हैं, इस टाइप से बना रहे हैं, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। अब इसे फील करना है, तो इसे इस टाइप से हम लोग डिज़ाइन को बना के इसमें हम लोग इसे फील करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब यही डिज़ाइन है, इसको मैं दूसरी टाइप से बनाऊंगी और इसमें भी मैं आपको फिलिंग करके बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इस टाइप से फिल करना बताऊंगी। आप डिज़ाइन को फ्लावर को कवर करूंगी और इस टाइप से, ठीक है। इसी फ्लावर में मैं आपको और डिज़ाइन बता रही हूँ इसे फिल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने फ्लावर बना लिया। अब इसे मैं इस टाइप से फिल करूँगी, ठीक है। इसी का डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये कितने तरह से हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लेंगे, ये डिज़ाइन जो बनाया है मैंने, और ये डिज़ाइन बनाया है एक टाइप का है, इसे मैं दूसरे टाइप से फील किया था और इसे मैं इस टाइप से फील करूँगी, ठीक है। और इसमें मैं पॉइंट डाल रही हूँ, ठीक है। अब इस डिज़ाइन का ही मैं बना रही हूँ दूसरा डिज़ाइन। इसमें मैं वही फ्लावर का यूज़ करूँगी, सेम फ्लावर, ठीक है। और इसमें मैं इस टाइप से डिज़ाइन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा फ्लावर का ये न्यू डिज़ाइन हो गया। अब मैंने ये फ्लावर बना लिया है, अब इसे मैं इस टाइप से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये भी फ्लावर का दूसरा ही डिज़ाइन हो गया, आप देख सकते हो। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हाफ में और इधर से हाफ सेंटर में मिला दिया। अब मैं दूसरा फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, उसी का, ठीक है। और इसको मैं पूरा हाफ को फिल करूँगी और आधे को फिल नहीं करूँगी। ये डिज़ाइन हमारा एक बच गया है, कोई बात नहीं है, इस टाइप से बना सकते हो। और इसको मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें आप मैं वही डिज़ाइन को फिल करूँगी। ये देखिए, ये मैंने 3 किया, ये 4 हो गया। अब इसी का मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, वही डिज़ाइन, फ्लावर वही है, सेम फ्लावर। अब इसको मैंने इस टाइप से कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को मैंने बना लिया है, इसमें मैं पॉइंट को फील करूँगी। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट फ्लावर है, ठीक है। इसी का मैं एक और बता रही हूँ, सेम फ्लावर को मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अब इसको मैं ऊपर की तरफ मैं
पॉइंट में यूज़ करूँगी। इस तरह से मैं पूरे फ्लावर में ये पॉइंट को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और बाकी को मैं फिल कर दूँगी, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्लावर में यूज़ कर रही हूँ, दूसरे शेप में इस टाइप से एक पत्ती हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ये थ्री टाइप से बना रहे हैं हम लोग। ये हमारा फ्लावर हो गया, इसे मैं डबल कवर कर दूंगी, ठीक है, और इसे मैं शेडिंग में डाल दूंगी। ये शेडिंग का डिज़ाइन बनाया मैंने, पूरे को शेडिंग से कवर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हम लोग तीन पत्ती का बनाया है, दो पत्ती वाला बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया, इस टाइप से दो पत्ती बना सकते हो। ये मैंने तीन ही पत्ते का यूज़ किया है, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बताने के लिए बस तीन पत्ते का यूज़ किया है। इसमें भी आप डिज़ाइन फील कर सकते हो, और इस टाइप से मैंने ये, मैं कुछ बड़ा बड़ा डिज़ाइन आपको बता रही हूँ ताकि डिज़ाइन बना सको आप, ये ठीक है। अब मैं इसमें आपको दूसरी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, इस टाइप से भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये डिज़ाइन भी आप बना सकते हो फ्लावर की। वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हो, मैंने बताने के लिए ये सब आपको अभी बताया है। और ये ठीक है, सीखने के लिए ये दोनों सेम ही हैं, बट इसमें मैंने थ्री टाइप्स यूज़ किया है और इसमें टू टाइम्स। नेक्स्ट, पहला तो हम लोग इस टाइप से बनाते हैं जैसा मैंने इसमें बताया आपको, ये इस टाइप से थ्री टाइम्स। नेक्स्ट का है इस टाइप से, और इसमें मैं वन सेकंड में मिला दिया, वन सेकंड में मिला दिया। इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन को बनाऊंगी, ठीक है। इसमें भी आप कुछ फील कर सकते हो। अब इसे मैं फील करने के लिए बता रही हूँ कुछ, तो इसका फील हम इस टाइप से करते हैं, वन टू। इस डिज़ाइन को मैंने बना लिया है, ये इस टाइप से इसे मैंने समझाने के लिए बनाया है। और इसमें मैं ये डिज़ाइन का बनाऊंगी, इसमें आप इस तरह से आप फील कर दोगे, इस टाइप से। ये बहुत तरीके से इससे भी आप फील कर सकते हो, जैसा मैंने इस टाइप को सब बताया आपको, ठीक है। इसे भी आप शेडिंग में डाल सकते हो, जैसे कि ये इस टाइप से, ये शेडिंग का हो गया। इसमें आप नए डिज़ाइन, कोई भी शेप वगैरह सब इस टाइप से फील कर सकते हो, ठीक है।
इस टाइप से, ठीक है, नेट ये हो गया। नेक्स्ट मैं अगली फ्लावर बताने जा रही हूँ, वो इस टाइप से होगी, यहाँ से और यहाँ से, इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से, यहाँ और इस टाइप से। अगर ये डिज़ाइन को आप छोटी बनाओ डिज़ाइन के साथ मिलाकर, तब भी अच्छी लगेगी। और इसे अगर फ्लावर की तरह पूरे हाथ पे आप यहाँ पे बीच में बनाओ तो भी आपको अच्छी लगेगी, बट उसमें कंडीशन ये है कि उसे आप अच्छे से डेकोरेट करके और उसमें डिज़ाइन को सारे मैच करके बनाओगे तो बहुत ही डिज़ाइन खूबसूरत बनेगी। ये सब तो मैंने अभी आपको बताया है, इसी तरह ये सारे बेसिक के स्टेप्स हैं, ये फ्लावर हमारा बन गया। अगर आप इसे हैंड के बीच में बनाओगे तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा, इसका डेकोरेशन भी अगर कर दोगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इसे भी आप व्हील कर सकते हो या इसी तरह से आप ये छोड़ सकते हो। अब पूरे डिज़ाइन को मैं फील कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरे डिज़ाइन को फील कर लिया है, और इसके बीच में आप इस टाइप से डिज़ाइन डालोगे तो इसका लुक कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है। और अगली जो लास्ट फूल बनाने जा रही हूँ वो देखिएगा, वो बस कुछ नहीं है, राउंड डिज़ाइन फ्लावर की तरह इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। ठीक, इसे अगर चाहो तो बीच में पॉइंट की तरह डाल सकते हो, ठीक है, बीच में आप कुछ फील कर सकते हो, या अगर इस पॉइंट को आप कुछ बड़ा बनाओगे उसमें कोई भी डिज़ाइन अच्छी सी बना सकते हो। ये सब फ्लावर का बेसिक स्टेप मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी, स्टेप्स आपको कैसे लगे, इस वीडियो में मैंने ये फ्लावर का स्टेप बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पत्ते का शेप बताऊंगी, अलग अलग तरीके से किस टाइप से बनाएंगे। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।